मित्रों एक बार फिर नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मकाय के बारे में। माइक्रो बॉडीज कहते हैं सूक्ष्मकाय, माइक्रो बॉडीज ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। इनको हम पहले ये जानेंगे कि ये सूक्ष्मकाय क्या है, तो इसके बारे में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेस्क्यूल्स कार्ड माइक्रोबॉडीज। सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली से बंधी हुई माइन्यूट छोटी वेसिकल थैलिया कार्ड माइक्रोबॉडीज सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज कहलाती है। एकल झिल्ली से बनी हुई सूक्ष्म थैलियां है। दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। उदाहरण है इसका सम प्लांट्स फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। कह रहे हैं कि एकल झिल्ली से बनी हुई छोटी जो थैलियां है इनको हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं, सूक्ष्मकाय कहते हैं। दैट कंटेंट्स जो भरे होते हैं वेरियस एंजाइम विभिन्न प्रकार के विकरों के द्वारा आर प्रेजेंट उपस्थित होती है इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल पौधे और जंतुओं के दोनों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ पौधों में फंजाई कवक में और कुछ प्रोटोजोआ के जंतुओं में। अगला पॉइंट देखेंगे माइक्रोबॉडीज आर टू टाइप ये जो सूक्ष्मकाय है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम और दूसरे को कहते हैं पर ऑक्सीसोम्स। ये माइक्रोबॉडी जो है वो दो प्रकार की होती है, ऑक्सीसोम्स और पर ऑक्सीसोम्स। अब हम पहले पढ़ेंगे ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में। ग्लाइऑक्सीसोम्स पहला पॉइंट देखेंगे, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर
डिस्कवर्ड बाई वीवर्स इन 1969 फ्रॉम कैस्टर बीन एंडोस्पर्म दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये एक एकल कोश परत से बने हुए संरचनाएं हैं जिनकी खोज डिस्कवर्ड बाय वीवर्स वीवर्स ने 1969 में की और कहा कि कास्टर बीन इंडोस्पर्म जिसको कहते हैं अरंडी का बीज, गांव देहात में उसको रेड़ कहते हैं, अरंडी के बीज में वीवर्स ने इसकी पहली बार खोज की। अगला पॉइंट है प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। ये केवल ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है जैसे सेल ऑफ ईव्स। न्यूरोस्पोरा एंड इन जर्मिनेटेड फैटी सीड्स। क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन मल्टी प्लांट सेल केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल ऑफ ईस्ट खमीर की कोशिका में मिलता है, न्यूरोस्पोरा में मिलता है और जर्मिनेटेड फैटी सीड जो वसीय बीज होते हैं उनके अंकुरण के समय ग्लाइऑक्सिसोम प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है ग्लाइऑक्सिसोम आर कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। ये ग्लाइऑक्सिसोम आर कनेक्टेड जुड़ा होता है किससे, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स वसा के उपापचय से। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो वसा के उपापचय से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट देखेंगे ग्लाइऑक्सिसोम प्रोसेसेस एंजाइम्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइऑक्सिलेट पैथवे। ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है जो प्रोसेसेस रखता है एंजाइम विकर को, जो बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं,
ग्लाइऑक्सीलेट चक्र, ये एक क्रिया का नाम है। अगला पॉइंट देखेंगे, ग्लाइऑक्सी सोम्स कन्वर्ट फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाय ग्लाइको नियोजेनेसिस। ये ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्ट बदलता है फैट को कार्बोहाइड्रेट में, वसा को बदलता है कार्बोहाइड्रेट में। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइको